राधा कुंड और श्याम कुंड, जहाँ पर भगवान बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने लीला दी है। इसलिए जो लीला रस को आस्वादन करने के लिए स्वयं लक्ष्मी भी जहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पर स्वयं शंकर जी गोपी बन करके भी वो राज में प्रवेश करना चाहते हैं, जहाँ पर उद्धव जी गुलम लता औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर नारद जी नारद जी और गोपी बन करके गिरिराज की संपूर्ण गति शंकर जी क्षेत्रपाल है। ये शंकर जी क्षेत्रपाल रूप में, इसलिए संपूर्ण ब्रज मंडल में 12 शंकर है। जहाँ पर जाओगे, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया 4 शंकर जी श्री मथुरा मंडल में, विपुलेश्वर, उत्तरेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर महादेव, फिर वृंदावन में जाएंगे वहाँ भी देखोगे गोपेश्वर महादेव, फिर गोवर्धन में जाएंगे चकलेश्वर महादेव, काम्य बन में जाओगे काम्यश्वर महादेव, सारी तरफ में शंकर जी शंकर चारी तरफ। बोले ये शंकर जी भोले बाबा क्या कर रहे हैं? बोले शंकर जी ये धाम का चारी तरफ में बैठे हुए कोई बदमाश व्यक्ति आकर के भगवान की जो ये मधुर मधुर लीला में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई उसमें व्याघात नहीं करे, इसलिए शंकर जी क्षेत्रपाल रूप में चारों तरफ में बैठे हुए। अभी अभी श्री हमारे श्री तीरथ महाराज बोल रहे थे, महाराज यहाँ आते थे सबको बोलते थे जरूर यहाँ आना, गुरुदेव सबको बोलते थे जरूर ये भूतेश्वर में आना ही, गुरुदेव बोलते थे। बोले क्यों? बोले जब तक इनकी आदेश नहीं लो ना, क्योंकि ये धाम रखक है, ये चौकीदार के काम कर रहे हैं। बोले जब तक इनकी कृपा नहीं हो, आदेश नहीं हो, गुरुदेव बोलते थे आप ये ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं कर सकते हो। इसलिए ये शंकर जी का आदेश लेना बहुत जरूरी है। और तीर्थ महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, ये शंकर जी कौन है? बोले वैष्णवानाम यथा सभो, बोले वैष्णव में ये अग्रगण्य श्री शंकर जी, इसलिए इनके छोड़ करके प्रभु कोई मिलाई नहीं हुई। जब स्वयं प्रभु राम रूप में आए, बोले रुद्र वानर भाई हनुमान, जब राम रूप में आए शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर को तो राम ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते, इसलिए बानर भय हनुमान, इसलिए शंकर जी स्वयं बंदर बन करके प्रभु राम की उन्होंने सेवा की। इसलिए ये शंकर जी बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, ये पंचमुख में भगवान के राम का नाम करते हैं। बोले महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुकति हेतु उपदेशा, इसलिए शंकर जी सब समय बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए शंकर जी जो अष्टांगी जो लीला है भगवान की, इसको वर्णना करने वाले कौन है? बोले श्री शंकर जी। इसलिए श्री नारद जी चतुसन शंकर जी से ही ये अष्टकाल्य लीला को उन्होंने श्रवण किया है, इनको श्रवण किया, यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथ किया है, यदि जो भागवत ग्रंथ इसको अमर कथा कहते हैं, जहाँ पर शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ये भागवत कथा श्रवण कराया। बोले रामायण किया है, बोले शंकर जी पहले अपना हृदय में सबसे पहले इसको उन्होंने रचना करके रखे, फिर श्री वाल्मीकि श्री नारद जी और जिन लोगों ने वर्णना किया, इसलिए जितने पुराण देखो सब शंकर पार्वती ये इनकी संवाद है। शंकर जी बोल रहे हैं और मैया पार्वती श्रवण कर रहे हैं, इसलिए इनके बगैर कोई लीला रंग है ही नहीं, सबका जो मूल से शंकर जी जब कृष्ण रूप में आए, फिर उन्होंने श्री गुप्त महादेव रूप में आते हैं, फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, स्वयं सदा शिव श्री अद्वैत आचार्य रूप में आते हैं, आकर के दुनिया की दुर्दशा को देख करके सबके सम कृष्ण विमुख देख करके जीव का कल्याण करने के लिए, इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा जो कलियुग है ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है, जिस कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि आकर के ब्रह्मा विरिंचर पांचित जय प्रेम जगत फैलिला ढाली कांदा ले पाया खाइल नाचिया बाजा या करताली,
ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ मिलके ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान करेंगे। इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा एक शंकर ही अद्वैत आचार्य है, इसलिए इनका मूल स्वरूप श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा कहते मैं तो युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन इसको तो मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन जो अनर्पित चरिंचिरात जो प्रेम है वो ब्रज के जो प्रेम है मंजरी गोपियों का जो प्रेम है ये प्रेम तो मेरे प्रभु को छोड़ करके और जगत में कोई दे ही नहीं सकते हैं। यही सदाशिव ही उन्होंने तुलसी और गंगा पानी लेकर के भगवान को आह्वान करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने कैसे आह्वान किया कहते सुतिया अछिन तीरा समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलमुर नडार होंकारे। इसलिए महाप्रभु बोले मैं तो सो रहा था कहां पर खीर समुद्र में, लेकिन अद्वैत आचार्य सदाशिव ही ऐसे भगवान को पुकारे उनका आसन को उन्होंने पूरा उन्होंने आसन बहला दिया और इसलिए बोलते हैं दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब पवले पाई जय चैतन्य। इसलिए सदा से कृपा नहीं होता ना हम जो श्रीमद महाप्रभु को प्राप्त किए और जो हरिभजन कंठी तीजा तो माला कर रहे ना अगर ये नहीं होते अभी हम यहाँ एकत्रित नहीं होते। इसलिए उनको बताया गौरव आना ठाकुर उन्होंने श्रीमद महाप्रभु को जगत में आए लाए अगर ये नहीं आते प्रभुपाद हमारे गुरुवर्ग नहीं आते है ना हम जो थोड़ी बहुत भक्ति करने की कोशिश ही कर रहे हैं अस्तित्व नहीं है थोड़ी सी थोड़ी बहुत भाई सब आते थोड़ी जो कोशिश कर रहे हैं ना ये भक्ति भक्ति हम नहीं कर सकते थे। इसलिए ये शंकर जी कृपा है आज जो हम सब के सब तिलक कंठी माला लेकर के निदाई गौर प्रणाम